आप लोग, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इस समय आपके जीएस के सेगमेंट पर मैं लगा हुआ हूं। हमारी टीम में ढेर सारी आपको वीडियोस रोज प्रोवाइड हो रहे हैं। उसी क्रम में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। कल मैंने आपसे चर्चा की थी वैष्णव धर्म के बारे में, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे मगध के उत्कर्ष के बारे में। मगध एक साम्राज्य था। देखिए दोस्तों, इस समय हमारे यहाँ जनपदों की बात कर रही जा रही है, तो 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, मैं आज आपसे बात करूँगा मगध के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मगध के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें कई वंश आए हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये जान लें कि मगध आया कहाँ से। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण यह है कि 16 महाजनपदों का वर्णन हमको अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद इनका वर्णन हमको मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है। अब इन 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों इतना शक्तिशाली और वैभवशाली राज्य बन के निकला या जनपद निकला कि वो पूरे इतिहास में छाया रहा कालांतर में, तो इसके पीछे कई कारण हैं कि मगध क्यों इतना ज़्यादा चर्चा का केंद्र रहा या इतना वैभवशाली राज्य रहा। क्योंकि मगध जो था, मगध एक तरह से ऐसा राज्य था जो कि, एक तो इसके पीछे कई कारण है, देखिए पहला है आर्थिक कारण, दूसरा है इसका राजनैतिक कारण, और तीसरा है भौगोलिक कारण। दोस्तों तो राजनैतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण थे इसके। मगध जो बसा हुआ था ये नदियों के दोआब यानी किनारे पे बसा हुआ था इस तरह से, ठीक है दोस्तों, यानी गंगा, गंडक और सोन नदियों के बीच में बसा हुआ था मगध। तो यानी कि यहां पर पानी की व्यवस्था थी। मगध जो था छोटा नागपुर पहाड़ की श्रेणियों में आता है, छोटा नागपुर की श्रेणियों में आता। अब जब यहाँ पर नदियाँ यानी सिंचाई की व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कृषि कर्म भी ज़्यादा होंगे। जब यहाँ पर उपज ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचेगा। जब एक्स्ट्रा बचेगा तो उसका उपयोग वहाँ की जनता या वहाँ का शासक कैसे कर सकता था, वहाँ का शासक व्यापार करने में उसका यूज कर सकता था। उन पैसे का इस्तेमाल वो हथियारों के खरीदने में कर सकता था या हथियारों का निर्माण करने में कर सकता था। और यही वजह है इस समय भारत में जो है लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहा हम लोग जानने लगे थे, ठीक है, लोहे की खोज हो चुकी थी। और छोटा नागपुर की जो श्रेणियां थी यहां पर ढेर सारी लोहे की खाने पाई गई, तो हमने हथियार भी बनाए, हम शक्तिशाली भी हुए, यानी मगध साम्राज्य जो है शक्तिशाली होता चला गया। मगध जो है बिहार और गया क्षेत्रों में फैला हुआ था, बिहार व गया, आधुनिक बिहार व गया के क्षेत्रों में फैला हुआ था, ठीक है। जो अधिशेष बचा उस अधिशेष का उपयोग इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने में लगाया। दूसरी तरफ अब चूंकि यहाँ पर नदियों का संगम था, जंगल थे, लकड़ियाँ बहुत थी, पेड़ पौधे बहुत थे, उसका भी उपयोग किया गया भरपूर मात्रा में। हाथियों के लिए भी फेमस था मगध, हाथियों का भी उपयोग किया गया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जो भी भौगोलिक कारण थे और वो सारे के सारे एक तरह से एक साम्राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ जो राजनीतिक व्यवस्था थी, तो यहां पर जिन वंशों ने शासन किया उन्होंने एक राजनीति का एक नया तरीका अपनाया, एक नया तरीका अख्तियार किया। अब देखिए वो मैं एक एक करके आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। यहां पर जो मुख्य मगध पर जो मुख्य रूप से जिन वंशों का शासन रहा वो आपसे क्रम लगाने पर भी पूछता है। तो पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश। दूसरा जो वंश था वह था शिशुनाग वंश। और जो तीसरा यहां पर साम्राज्य बना वो था नंद वंश। और जो चौथा था वो आप सब लोग जानते होंगे, ये मौर्य साम्राज्य था, मौर्य। तो ये आपको क्रम याद रखना है मौर्य साम्राज्य कि पहले कौन आया। पहले आया हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य साम्राज्य आया। अब देखिए यहाँ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इसने 544 ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठता है, मगध पर
बैठता है। अब देखिए, मैंने बताया ना कि राजनैतिक कारण, बिंबिसार पहला ऐसा शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध की नीति नहीं अपनाई। इसने युद्ध करने का कोई भी मतलब मोटिव नहीं रखा, कोई मोटिव नहीं था इसका युद्ध करने का। इसने दूसरा तरीका अपनाया, दूसरी रणनीति अपनाई साम्राज्य को विस्तारित करने का, वो था वैवाहिक संबंध स्थापित करना। महाबग्गा नामक ग्रंथ में हमको इसकी 500 पत्नियों का वर्णन मिलता है। अब सोचिए 500 पत्नियां, यानी कि इसका साम्राज्य कितना विशाल हो गया होगा, ठीक है। 500 पत्नियों का इसने वर्णन किया और इसने प्रमुख रूप से जो उस समय शक्तिशाली जो साम्राज्य थे उनसे भी वैवाहिक संबंध बनाए। इसकी जो 3 पत्नियां थी, 3 पत्नियों का इसका वर्णन मिलता है। पहली थी कोशला देवी, पहली थी कोशला देवी, कोशला देवी, ठीक है, जो काशी नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, जो काशी नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेन जीत की बहन थी। दूसरा विवाह इसका होता है चेलना, चेलना दूसरी पत्नी का नाम है इसका, चेलना, जो लिच्छवी राजा लिच्छवी गण की चेटक की बहन थी। तीसरा जो इसका विवाह होता है वह होता है जो है क्षेमा देवी से, क्षेमा देवी जो मद्र देश की राजकुमारी थी, जो मद्र देश की राजकुमारी थी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इसने वैवाहिक संबंधों को वरीयता दी साम्राज्य विस्तार करने के। तो ये इसका जो तरीका था, ये तरीका भी मगध के उत्कर्ष में बेहद कारगर साबित हुआ आगे जाकर के कालांतर में, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके जो प्रमुख, इसने जो जितने भी प्रमुख राज्य थे उनके साथ भी इसने वैवाहिक संबंध बनाया, ठीक है। इसने गिरिवज्र या राजगृह के नाम से भी इसको जाना जाता है, राजगृह नामक नगर की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है दोस्तों। इसने जो है गिरिवज या राजगृह नामक नगर की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया, ठीक है। अब बिंबिसार की जो विशेषता थी वो आपको हमेशा याद रखनी है। ये पहला व्यक्ति था, ये पहला शासक था जिसने कुशल प्रशासन पर ध्यान दिया, पहला शासक जिसने कुशल प्रशासन पर ध्यान दिया। दूसरा काम इसने क्या किया, ये पहला शासक था जिसने स्थाई सेना भी इसने रखी। ये इसके कारण थे मगध के उत्कर्ष के दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये जो है जनता की या प्रशासन की गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता था उस समय, ठीक है। कहा जाता है जो है कि ये जब बैठता था अपने दरबार में तो इसके यहाँ पर 80,000 ग्रामों के प्रतिनिधि आते थे दरबार में, समझिएगा। तो इस तरह से इसने ढेर सारी व्यवस्थाएं अपनी बना ली थी और ये एक बेहद महत्वपूर्ण कारण था कि मगध साम्राज्य इतना ज़्यादा उत्कर्ष की ओर बढ़ता ही चला गया, ठीक है। अब इसमें बता दूं आपको कि ये जो बिंबिसार था ये जैन धर्म व ब्राह्मण ग्रंथ धर्म के व ब्राह्मण धर्म के प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाता है, धर्म के प्रति भी सहिष्णु था, यानी सहिष्णुता की, यह भी एक कारण था इसका, सहिष्णुता की नीति अपनाया। यही कारण है कि दीर्घ निकाय नामक ग्रंथ में पता चलता है कि जैन गुरु जैन थे सोनदंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोनदंड ये चंपा के रहने वाले थे, सोनदंड को ये क्या करता है, ये वहां की चंपा की सारी आमदनी दान में देने का वचन दे देता है, चंपा की आमदनी दान में देता है, दान में देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कारण था
कि विरोधी इसके इसके पक्ष में हो गए थे। अच्छा, इसके बाद कुछ समय बाद जब ये भगवान बुद्ध से मिलता है, जब ये भगवान बुद्ध से मिलता है तो ये बौद्ध धर्म की तरफ जो है आसक्त हो जाता है और बौद्ध धर्म को भी ग्रहण कर लेता है और ये भगवान बुद्ध का मित्र व संरक्षक के रूप में अपना जो है परिचय कराता है लोगों से, यानी कि ये बुद्ध का संरक्षक और मित्र था। ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करता है बाद में, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण। और ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए निशुल्क जल यात्रा की व्यवस्था करता है, जल यात्रा की व्यवस्था भी करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुओं के लिए निशुल्क जल यात्रा की व्यवस्था कर देता है। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की सेवा के लिए, इसका राजवैद्य था जीवक, भगवान बुद्ध की सेवा के लिए जीवक नामक राजवैद्य को भेजता है। जीवक नामक राजवैद्य को भेजता है किसकी, भगवान बुद्ध की सेवा के लिए। इसके अलावा ये जो है राजा प्रधोत, इनसे इनके अच्छे संबंध थे। राजा प्रधोत की सेवा के लिए भी ये क्या करता है, ये जो है अपने राजवैद्य को भेजता है। ठीक है, इस आपको बता दें ये बौद्ध भिक्षुओं को इसके अलावा और भी करता है। ये बेलुवन दान में देता है। बेलुवन, ये सवाल खूब पूछा जाता है, बेलुवन दान में देता है ये बौद्ध भिक्षुओं को। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, बौद्ध भिक्षुओं को बेलुवन दान में कौन देता था। ठीक है, यहीं पर ये जीवक नामक वैद्य को भगवान बुद्ध की सेवा के लिए भेजता है और राजा प्रधोत की सेवा के लिए भेजता है। ये अवंती के राजा थे दोस्तों, अवंती के राजा प्रधोत की सेवा के लिए भी ये अपने वैद्य को भेजता। अब जीवक था कौन जो राजवैद्य था और हर्यक वंश में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, जीवक इसका पुत्र था बिंबिसार का। ये आपको शायद किताबों में उपलब्ध ना होगा इसका आंसर, जीवक कौन था, जीवक बिंबिसार का पुत्र था। अब कैसे पुत्र था, देखिए उस समय वैशाली राज्य में एक बहुत ही रूपवान, बहुत ही मतलब सुंदर, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे देश में होती थी, मतलब उससे मिलने के लिए, उसका एक बार दर्शन करने के लिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए ललायत रहते थे किसी प्रकार हमारी मुलाकात हो जाए। ठीक है, उस गणिका, वो कौन थी, एक गणिका थी, गणिका या नर्तकी उस समय, तो ये नर्तकी थी ठीक है, या गणिका थी, इसका नाम था आम्रपाली। अच्छा, ये आम्रपाली कौन थी, ये भगवान बुद्ध की सेवक थी, बुद्ध की सेवा करती थी, बुद्ध भगवान को बहुत मानती थी, बुद्ध की सेवक थी, मानती थी बौद्ध धर्म को। जब ये आम्रपाली से मिलता है बिंबिसार पहली बार, तो ये मोहित हो जाता है उस पर, इस कदर मोहित हो जाता है कि ये इसको वहां से ले आता है जीत करके और अपने यहां राजगृह लेकर के आ जाता है राजगृह। और कालांतर में इन दोनों के सहयोग से या संयोग से एक पुत्र का जन्म होता है जिसको हम जानते हैं जीवक के नाम से। ठीक है, ये तो मैंने आपसे चर्चा कर ली दोस्तों, आपकी चर्चा हो गई बिंबिसार। अब बिंबिसार के बाद इसका पुत्र बैठता है। अच्छा देखिए दोस्तों, इस वंश को, हर्यक वंश को कहीं कहीं पितृहंता वंश भी बोला जाता है, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो सारे के सारे अपने पिता की हत्या करने के बाद क्या होते हैं, बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि यह जो बिंबिसार था, बिंबिसार जब मरने के पहले अपने पुत्र, अपने इसका एक बड़ा पुत्र था दर्शक,
इसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, उत्तराधिकारी। लेकिन लेकिन इसका एक और पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है। ये अपने पिता की हत्या कर देता है, ठीक है, अपने पिता की हत्या करता है। कौन? अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करता है और 492 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठ जाता है। इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, कुड़िक। इसको कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि कुड़िक के नाम से कौन जाना जाता है, कुड़िक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठता है, अब अजातशत्रु कैसा था? एक साम्राज्य विस्तारी नीति को अपनाने वाला व्यक्ति था, मतलब इसको साम्राज्य विस्तार करने का बड़ा ही लालसा था। ये चाहता था कि हमारा साम्राज्य खूब फैले, ठीक है। इसने काशी और बज्जी संघ को भी जीत लिया, इसने काशी और बज्जी संघ को भी जीता। और इसके अलावा इसके जो मंत्री थे, ये सवाल पूछा जाता था, मंत्री थे सुनिधि, सुनिधि व वस्कार, ठीक है, सुनिधि व वस्कार। अब ये जो सुनिधि और वस्कार, मैंने आपको बताया लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज होने के कारण ही ये सुनिधि और वस्कार दो नए हथियारों का निर्माण करते हैं जिसको बोला जाता है रथ मूसल, रथ मूसल और महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, ठीक, रथ मूसल और महाशिला कंटक, ठीक है दोस्तों। रथ मूसल और महाशिला कंटक की रचना करते हैं, यानी इसकी इजाद करते हैं और वज्जी संघ को भी हरा देते हैं और वज्जी संघ को भी मगध में मिला लेते हैं। अब देखिए, ज्यादा सवाल इससे नहीं पूछे जाते अजातशत्रु से। तो 492 में अपने पिता की हत्या करता है और कुड़िक के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो है आपका जो है काशी व बज्जी संघ को भी जीत लेता है, ठीक है। बज्जी संघ को जीतने के लिए ये रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का उपयोग भी करता है दोस्तों, ठीक है। इसी के शासन काल में, यानी इसके जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक के आठवें वर्ष जो है, यानी कि 483 ईसा पूर्व, ये मैं आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया भी है, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया, प्रथम संगीति हुई बौद्ध संगीति, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका पुत्र उदयन, ठीक है, उदयन। अब उदयन गद्दी पर बैठता है, उदयन भी अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठता है 461 ईसा पूर्व में, यह भी अपने पिता की हत्या कर देता है। इसीलिए इसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है, पितृहंता, ठीक है। उदयन 461 ईसा पूर्व अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और उदयन क्या क्या काम करता है ये देख लें आप। उदयन पहला काम करता है गंगा व सोन नदी के तट पर या संगम पर एक नए नगर की स्थापना करता है जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र। और ये अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहां ले आता है, पाटलिपुत्र ले आता है, ठीक है। इसी के बाद पुराणों में इसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है, माता का नाम पद्मावती मिलता है, ठीक है, ठीक है। और ये कैसा था, ये एक जैन मतानुयायी, ये जैन धर्म को मानता था उदयन, जैन धर्म को ये मानता था, ठीक है। अब इसके बाद जो अंतिम शासक होता है हर्यक वंश का, वह होता है नाग दशक। इसको पुराणों में दर्शक के नाम से भी हम जानते हैं, दर्शक के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसकी हत्या करता है इसका अमात्य मतलब होता है मंत्री, इसकी हत्या करता है या इसको हराता है, पद से हटाता है इसका अमात्य मंत्री जिसका नाम है शिशुनाग,
और भारत यानी मगध पर 412 ईस्वी में एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। ईसा पूर्व 412 में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है जिसको हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शिशुनाग वंश की संस्थापक कौन है? शिशुनाग। आपको जानने के लिए शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है, जो नाम है इसका, वही वंश है। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग। ठीक है, ये अपनी राजधानी कहां से, देखिए अभी पाटलिपुत्र थी राजधानी, पाटलिपुत्र से वैशाली अपनी राजधानी परिवर्तित करता है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, पाटलिपुत्र से एक बार अपनी राजधानी फिर से कौन चेंज करता है दोस्तों? तो वो है शिशुनाग। शिशुनाग के बाद इसका पुत्र बैठता है गद्दी पर। देखिए इस वंश से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जिसका नाम है कालाशोक। कालाशोक पुराणों में से काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, काकवर्ण के नाम से भी हम इसको जानते हैं। 394 ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठता है कालाशोक। ठीक है, और आपको बता दें दिव्यदान और पुराणों में इसको काकवर्ण के नाम से भी हम जानते हैं, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है काकवर्ण के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कालाशोक। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये वैशाली से एक बार फिर से अपनी राजधानी ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र लाता है, पाटलिपुत्र लाता है। ठीक है, और इसी के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व यानी इसके शासन या राज्याभिषेक के 10वें वर्ष 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इस वंश का आखिरी जो शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। इसको अपदस्थ करके करता है कौन? महापद्मनंद। ठीक है, और भारत में यानी मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है जिसको हम नंदवंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आगे हम आपसे नंदवंश और उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो एक एक करके आपने आज जाना कि हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। अब हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे आपके नंदवंश और मौर्य साम्राज्य के उत्पत्ति के बारे में। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा और अपने कीमती समय को इधर उधर जाया ना कर करके दोस्तों अपनी पढ़ाई पे वेस्ट करिएगा, और क्योंकि जीएस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अगर आप इसको कायदे से देख रहे हैं, आप कायदे से समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम बीट कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हमारी मेहनत और हमारे जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का परिणाम तभी सामने आएगा जब आप अपनी सफलता अर्जित कर लेंगे। और मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट समझ लें या कुछ भी कर लें, उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयत्न करिए जो बेचारे घर पे हैं, पढ़ने के उनके पास साधन नहीं है इस समय, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचें और वो घर पर बैठ के भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, आप मेरे नए वीडियो के इंतज़ार करिएगा। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।